Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn some important vocabs. आप लोग तो जानते ही हैं कि vocab हमारे लिए कितना important है. Vocab हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें vocab पता होगी, उतना अच्छा हम English बोल सकते हैं और अपना spoken अच्छा कर सकते हैं. तो चलिए start करते हैं आज की सब important vocabs. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब बताने वाली हूँ. वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे वोकैब बताए हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. वैसे आज के इस वीडियो में आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब बताने वाली हूँ, जो कि ये है. सबसे फर्स्ट वोकैब है हैकल, HAKLE, हैकल. हैकल मतलब होता है मछली का चारा. इसमें हैकल, हैकल मीन्स मछली का चारा. नेक्स्ट वोकैब है हैग, HAG, हैग. हैग का मतलब होता है डायन, HAG, हैग. हैग मीन्स डायन. जेनिटर, JANITOR, जेनिटर. जेनिटर का हिंदी होता है चौकीदार, जेनिटर मतलब चौकीदार. नेक्स्ट है जर्की, JERKY, जर्की मतलब होता है चटकेदार. जिटर्स, JITTERS, जिटर्स मतलब होता है नस. जिटर्स का हिंदी मीनिंग होता है नस, JITTERS, जिटर. जिटर मतलब नस. मैलेबल, MALLEBLE, मैलेबल का मतलब होता है लचीला, मुलायम, लचीला, मैलेबल. नेक्स्ट है बैकबिट, BACKBITE, बैकबिट का मतलब होता है चुगली, बैकबिट मतलब चुगली. इस सारे वोकैब में आपको सेंटेंस भी बनाना है, सारे वोकैब पे आपको दो या तीन सेंटेंस बनाकर देखिए, तब आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं. इस सारे वोकैब पे आपको सेंटेंस बनाना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बैक रेस्ट, BACKREST, बैक रेस्ट मतलब होता है बाकी, बैक रेस्ट बाकी. नेक्स्ट है बास, BASS, बास. बास मतलब होता है भेड़ का मिमियाना, भेड़ का मिमियाना, बास. एंड आज की लास्ट वोकैब है पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य पानी, पीने योग्य जो चीज़ें होती है, पीने योग्य हमें जहाँ पे बोलना यूज़ करना होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पोर्टेबल. तो ये थी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब. एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हैकल मतलब होता है मछली का चारा, हैग का मतलब होता है डायन, जेनिटर मतलब होता है चौकीदार, जर्की मतलब होता है चटकेदार, जिटर्स मतलब होता है नस, JITTER, जिटर मतलब होता है नस, मैलेबल मतलब होता है लचीला, मैलेबल मतलब होता है लचीला, बैकबिट मतलब होता है चुगली, बैक रेस्ट का मतलब होता है बाकी, बास मतलब होता है भेड़ का मिमियाना, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य. तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब थी आज की, जो कि आपको याद करना है और उसे अपने स्पोकन में यूज़ करना है, उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए. स्पोकन एंड ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर.